मैं डॉक्टर उदय सिंह बेनीवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। मैं यूरोलॉजी में पिछले 17 साल से काम कर रहा हूँ। आज हम प्रोस्टेट एवं उससे होने वाली समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि सभी पुरुषों में पाई जाती है। ये लगभग 25 ग्राम की ग्रंथि होती है जो पेशाब की थैली के नीचे यूरिन द्वार के चारों तरफ होती है। नॉर्मली ये ग्रंथि 50 साल की उम्र के बाद बढ़ने लग जाती है। लगभग 70 साल की उम्र पर 60 से 65% लोगों में ये ग्रंथि बढ़ जाती है। इस ग्रंथि के साइज बढ़ने की वजह से पेशाब रास्ते पर दबाव पड़ने से पेशेंट्स को सिम्टम्स आने लग जाते हैं। अब प्रोस्टेट की वजह से क्या सिम्टम्स होते हैं? मेनली पेशाब की धार का कमज़ोर होना, पेशाब का बार बार आना, रात्रि के समय बार बार नींद का ख़राब होना एवं पेशाब के लिए जोर लगाना, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के। इस तरह के सिम्टम्स जिस मरीज में होते हैं उसको अपने नज़दीकी कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद इसका डायग्नोसिस कैसे करें, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होते हैं। एक सोनोग्राफी होती है जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज पता लग जाता है एवं ये कितना यूरिन को रोक रही है उसके बारे में पता लग जाता है। दूसरा जो प्रोस्टेट के लिए कॉमन टेस्ट होता है वो PSA होता है। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि ग्रंथि नॉर्मल कारण से बढ़ रही है या इसमें कैंसर की संभावना तो नहीं है। ये टेस्ट करवाने के बाद हम देखते हैं कि मरीज को इलाज की ज़रूरत है कि नहीं। इसके सिम्टम्स सीवियरिटी स्कोर होते हैं। जैसे मान लो मरीज के लक्षण स्टार्ट ही हुए हैं, उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। वो दिनचर्या बदलाव से जैसे लिक्विड इनटेक, चाय, कॉफ़ी ये कम करने से उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं तो उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। जिन पेशेंट्स के सिम्टम्स इससे ज़्यादा होते हैं उनको 90% मेडिकल ट्रीटमेंट से लाभ मिल जाता है। सर्जरी केवल 5 से 10% लोगों में ज़रूरत पड़ती है जिससे कि उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाएं। सर्जरी के स्पेशल इंडिकेशंस होते हैं, जैसे यूरिन मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं लग पा रहा है, पेशेंट कैथेटर से रिलीव नहीं हो रहा है, मरीज को प्रोस्टेट की वजह से पेशाब में ब्लड आ रहा है या प्रोस्टेट की वजह से स्टोन बन रहे हैं, इन कंडीशंस में मरीज को सर्जरी की आवश्यकता होती है। पुराने टाइम में प्रोस्टेट के लिए ओपन सर्जरी होती थी, लेकिन आजकल लेटेस्ट टेक्निक में जैसे लेजर के द्वारा, जिसको हम होलेब बोलते हैं, दूरबीन से ही प्रोस्टेट का इलाज हो जाता है और उसमें मिनिमल हॉस्पिटल स्टे होता है और ब्लीडिंग का भी बहुत ही कम रिस्क रहता है। लेज़र के द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथि को बाहर निकाल दिया जाता है और मरीज को ऑपरेशन के बाद 2 से 4 दिन कैथेटर की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता है। अगर कई बार प्रोस्टेट कैंसर की वजह से बढ़ता है तो कैंसर का पता लगने के बाद अगर वो अर्ली स्टेज में है तो उसका भी दूरबीन से इलाज हो जाता है और मरीज कैंसर से मुक्त हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोस्टेट का बचाव कैसे किया जाए कि ये बढ़े नहीं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि जिससे हम प्रोस्टेट की वजह से बच सकें। मेनली ये एज रिलेटेड होता है। अगर इसके सिम्टम्स आते हैं और अपन अर्ली एडवाइस ले लेते हैं तो इससे होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में अपन बचाव कर सकते हैं। दूसरा जो कॉमन भ्रांति है जनरल पब्लिक में कि जो रात में बार बार पेशाब का उठना या पेशाब लीक हो जाना, ये एज रिलेटेड समस्याएं हैं। ये एज की वजह से नॉर्मली नहीं होते हैं, ये प्रोस्टेट से होती हैं। और अगर ये समस्याएं हैं तो अपने को जल्दी ही कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसमें वेट नहीं करना चाहिए। थैंक्स।